हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ाई करेंगे। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी एज द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम हैव टू बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट ए ड्राइव यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। डायमेंशन एनालिसिस में हम किसी भी क्वांटिटी की जो डायमेंशन को लिखते हैं, मास, लेंथ एंड टाइम के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। अब क्या मास की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट, वो केजी होती है, और जो इसकी डायमेंशन होती है इसको हम एम की फॉर्म में लिखा जाता है। लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर, डिनोटेड बाय स्मॉल एम, और जो इसकी डायमेंशन होती है वो होती है एल। टाइम की जो एसआई यूनिट होती है, वो होती है सेकंड, डिनोटेड बाय एस, जो इसकी डायमेंशन होती है वो होती है टी, कैपिटल टी। तो हम किसी भी क्वांटिटी की जो ड्राइव यूनिट है या बेसिक यूनिट है उसकी जो डायमेंशन को मास, एम, एल और टी की फॉर्म में लिखा जाता है। पहले एम को लिखते हैं, फिर एल को लिखते हैं, फिर टी की लिखते हैं, और जो उसकी पावर्स होती हैं उनको, पावर्स को ऊपर लिखा जाता है, चाहे वो प्लस में भी हो सकती है पावर या फिर माइनस में भी हो सकती है पावर। अब जैसे हम कुछ ड्राइव्ड यूनिट हैं उनकी डायमेंशन को निकालते हैं। लेट एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ में हम क्या लंबाई नापेंगे तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, एल, और ब्रेथ से भी क्या नापते हैं, लेंथ ही नापेंगे तो ब्रेथ की भी डायमेंशन क्या होगी, एल। एल में एल की मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। अब जो जैसे डायमेंशन को हम लिखते हैं किसकी फॉर्म में, एम, एल और टी, और जो चीज़ यहाँ पे नहीं है उसकी पावर लिख देंगे जीरो, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर, एक्स की पावर जीरो इक्वल टू क्या होता है, वन। अब जैसे यहाँ पे एल है, एल और बाकी दो चीज़ें नहीं है, एम और टी, तो हम इसके एरिया की जो डायमेंशन है उसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे, एम की पावर जीरो, क्योंकि एम नहीं है इसमें, एल स्क्वायर है खाली, एल स्क्वायर और टी की पावर जीरो, और हम स्क्वायर ब्रैकेट में इसको इनक्लोज करते हैं। तो किसी भी ड्राइव्ड यूनिट की डायमेंशन को लिखने के लिए एम, पहले एम फिर एल फिर टी लिखते हैं, और जो पावर्स होती हैं उसको ऊपर रेज कर देते हैं। अगर पावर्स नहीं हैं तो हम लिखेंगे उसकी पावर जीरो। तो ये एरिया की डायमेंशन होगी, एम की पावर जीरो, एल स्क्वायर, टी की पावर जीरो, इनक्लोजेज बाय इन स्क्वायर ब्रैकेट। दूसरी डायमेंशन है सपोज वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम की डायमेंशन निकालते हैं, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होगी, लेंथ, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ से हम क्या नापेंगे, डायमेंशन उसकी लेंथ की एल होगी, ब्रेथ की भी डायमेंशन क्या होगी, एल, और हाइट से भी की डायमेंशन क्या होगी, एल। तो इनको तीनों का करेंगे, एल की पावर वन 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 कितना हो गया, एल की पावर थ्री। अब इसमें एम नहीं है और टी नहीं है तो उनकी पावर जीरो, पहले एम फिर उसकी पावर एल और टी की पावर जीरो और स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये वॉल्यूम की डायमेंशन हो गई। इसी तरह हम किसी भी ड्राइव यूनिट की डायमेंशन को निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, वन बाई वन जितनी भी ड्राइव यूनिट हैं मैक्सिमम की निकाल के यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद एक ड्राइव यूनिट होती है स्पीड, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन क्या होगी, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, या वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, चाहे हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहें लेकिन उसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, एल ही होगी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, स्पीड की डायमेंशन निकालनी है। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से हम क्या नापेंगे, लेंथ, लंबाई नापी जाती है, एल अपॉन में टी, और ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी।
टी की पावर कितनी है, 1, ये ऊपर जाएगा तो साइन चेंज होगा, प्लस 1 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1। अब इसमें m नहीं है तो m को आगे लिखेंगे उसकी पावर 0, और l टी की पावर माइनस 1, ये किसकी डायमेंशन हो गई, स्पीड की। अगर हमें सपोज एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालनी है, एडबल सी ई आर ए टी आई ओन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना, चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी, इसमें वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, अभी हमने देखा वेलोसिटी अपॉन में टाइम, या फिर लिख सकते हो ऐसे वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, अभी हमने कैलकुलेशन करते समय हम जो अगर वो पावर नहीं है तो उसको हम नहीं लिखते हैं, जैसे अभी हमने इसकी देखी डायमेंशन क्या है, एल टी की पावर माइनस 1, तो कैलकुलेशन के टाइम जो चीज़ नहीं है उसको नहीं लिखते हैं, जो चीज़ है उसी को लिखो, एल टी की पावर माइनस 1 अपॉन में टाइम की डायमेंशन हो गई टी। अब ये हम एक फॉर्मूला जानते हैं मैथ का, कि अगर एक्स की पावर एम हो इंटू एक्स की पावर एन हो, अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, एक्स की पावर एम प्लस एन हो जाएगा ये। तो जैसे यहाँ पे है ये टी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एल टी की पावर माइनस 1 है, ये भी टी की पावर माइनस 1 हो जाएगा। अब ये टी की पावर माइनस 1 और टी की पावर माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, टी की पावर माइनस 2, या एम नहीं है तो उसको हम क्या लिख देंगे, एम की पावर 0 एल टी की पावर माइनस 2। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या आ गई, एम की पावर 0 एल और टी की पावर माइनस 2। स्पीड फॉर्मूला याद करते समय हम खाली इतना याद रखेंगे, एल टी की पावर माइनस 1 और एल टी की पावर माइनस 2, लेकिन जब हम लिखेंगे तो एम 0 एल टी की पावर माइनस 1 लिखा ऐसे जाएगा, लेकिन बोलते समय जो चीज़ नहीं है उसको नहीं बोलना है, एल टी की पावर माइनस 1 और एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो गई एल टी की पावर माइनस 2, या फिर एम 0 भी बोल सकते हैं। इसके बाद अगला है, अगर हमें फॉर्मूले याद हो तो हम किसी भी चीज़ के डायमेंशन निकाल सकते हैं, तो डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूले का याद होना बहुत ज़रूरी है। अगला है जैसे फोर्स, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एम, एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी हम निकाल चुके हैं, क्या थी, एल टी की पावर माइनस 2, तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई, एम एल टी की पावर माइनस 2। किसी भी ड्राइव्ड यूनिट की डायमेंशन निकालने के लिए हमें तीन फॉर्मूले, तीन की डायमेंशन याद रखनी चाहिए, एक वेलोसिटी या स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, एल टी की पावर माइनस 1, एक एक्सेलरेशन की वो क्या होती है, एल टी की पावर माइनस 2, और एक फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी की पावर माइनस 2। अगर हमें ये याद हैं तो हम किसी भी और आगे की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई, एम एल टी की पावर माइनस 2। अगर हमें प्रेशर निकालना है, प्रेशर की डायमेंशन निकालनी है, प्रेशर बराबर क्या होता है, पहले तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स की डायमेंशन निकाल चुके हैं, मैंने कहा था कि फोर्स और एक्सेलरेशन और स्पीड की तीन की डायमेंशन याद होनी चाहिए, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी की पावर माइनस 2 अपॉन में एरिया, एरिया की डायमेंशन क्या होती है, एल स्क्वायर, एक एल से एक एल कैंसिल, ये एल ऊपर जाकर क्या बना देगा, माइनस 1, तो एम की पावर 1 और एल की पावर माइनस 1 और टी की पावर माइनस 2, ये किसकी डायमेंशन आ गई, प्रेशर की। अगर हमें निकालना हो किसी और की डायमेंशन, सपोज इंपल्स की, या हमें सपोज निकालनी मोमेंटम की, मोमेंटम, मोमेंटम बराबर क्या होता है, पहले तो मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम, मास की डायमेंशन कैपिटल एम, वेलोसिटी की एल टी की पावर माइनस 1, तो डायमेंशन क्या हो गई, एम एल टी की पावर माइनस 1, तो इसकी डायमेंशन आ गई।
फोर्स की डायमेंशन एम एल टी की पावर माइनस टू, प्रेशर की डायमेंशन एम एल की पावर माइनस वन और टी की पावर माइनस टू, मोमेंटम की डायमेंशन एम एल टी की पावर माइनस वन। इस तरह हम किसी भी चीज़ की डायमेंशन निकाल सकते हैं। सपोज हमें निकालना है एंगल की डायमेंशन, एंगल थीटा की सपोज डायमेंशन निकालना है। एंगल थीटा की डायमेंशन निकालते समय पहले देखते हैं एंगल थीटा की डायमेंशन क्या होती है। सपोज फॉर्मूला कहाँ से आता है, एंगल सपोज ये सर्कल है, ये सेंटर ओ और ये रेडियस है जिसकी रेडियस आर है। सपोज ये आर्क है ए बी और ये एंगल है। सपोज हम मूव करें ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, हमने मूव किया है और इसकी लेंथ है कितनी एल, ए से बी की लेंथ हो गई एल और ये एंगल हो गया थीटा। तो फॉर्मूलेवाइज क्या होता है, आर इंटू थीटा, थीटा किस में होना चाहिए रेडियन में, आर इंटू थीटा इक्वल्स टू क्या होता है एल, वेयर आर इज रेडियस, थीटा इज एंगल इन रेडियन एंड एल इज द आर्क लेंथ। एल को क्या बोलते हैं आर्क लेंथ। तो थीटा बराबर, अगर थीटा हमें एंगल की डायमेंशन निकालनी है तो क्या हो जाएगा एल अपॉन में आर। अब एल से क्या नापते हैं लेंथ, और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है कैपिटल एन, रेडियस, रेडियस से भी हम क्या नापेंगे लेंथ, तो उसकी भी डायमेंशन क्या हो गई एल, एल से एल कैंसिल तो कुछ नहीं बचा, तो उसकी पावर हम क्या लिखेंगे एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो और टी की पावर भी जीरो। ये हो गया किसकी एंगल की डायमेंशन, एम जीरो एल जीरो टी की पावर जीरो। इसके बाद अगला आता है अगर हमें किसी की डायमेंशन निकालनी है उसका फॉर्मूला याद है किसी कांस्टेंट का तो कैसे निकालते हैं। सपोज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है एफ इजिकल टू जी एम वन एम टू अपॉन में आर स्क्वायर। ये फोर्स क्या होता है कि अगर दो बॉडीज हैं जिनका मास m1 इसका मास m2 है और उनके बीच की डिस्टेंस r है, सेंटर से डिस्टेंस मेजर की जाती है, अगर इनकी डिस्टेंस r है तो इनके बीच में ये दोनों बॉडीज आपस में एक दूसरे को किसी फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसका जो फॉर्मूला है F इजकल टू जी एम वन एम टू अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पे जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब अगर हमें सपोज कैपिटल जी की डायमेंशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, जिसकी डायमेंशन निकालनी है उसको रखेंगे लेफ्ट पे, तो हमने इसको रखा जी को लेफ्ट पे और बाकी क्वांटिटी को रखो राइट पे, तो ये एफ आर स्क्वायर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन में एम वन एम टू। एफ क्या है फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है एम एल टी की पावर माइनस टू, आर क्या है रेडियस, रेडियस यहाँ मतलब डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है एल, एल का क्या है यहाँ स्क्वायर तो एल स्क्वायर अपॉन में एम वन क्या है मास, जहाँ मास कोई सा भी हो एम वन एम टू सबकी डायमेंशन क्या होगी कैपिटल एम, इस वाले मास की डायमेंशन कैपिटल एम, तो m से m कैंसिल, ये m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m की पावर माइनस वन और ये l है स्क्वायर और वन ऐड हो जाएंगे पावर क्या हो जाएगी l की पावर थ्री और ये क्या हो जाएगा t की पावर माइनस टू, तो m की पावर माइनस वन l की पावर थ्री एंड t की पावर माइनस टू इज द डायमेंशन ऑफ कैपिटल g। अगर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है उसकी डायमेंशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है तो वो आता फोर्स बराबर एम इंटू जी होता है, तो यहाँ से भी डायमेंशन निकल जाएगी और एक्सेलरेशन कोई से भी हो उसकी डायमेंशन क्या होगी एल टी की पावर माइनस टू, पर यहाँ से भी हम निकाल के देख सकते हैं कि इसकी जो डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी एल टी की पावर माइनस टू। तो जी की डायमेंशन अगर हमें निकालना है देखो क्या हो जाएगा एफ अपॉन में m, यहाँ f क्या है फोर्स m क्या है मास, फोर्स की डायमेंशन m l t की पावर माइनस टू और m क्या है मास, मास की डायमेंशन कैपिटल m,
एम से एम कैंसिल, क्या आगे डायमेंशन एल टी की पावर माइनस टू, जो पहले वाली डायमेंशन थी। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायमेंशन क्या होगी, एल टी की पावर माइनस वन, और कैपिटल जी, इसको कैपिटल जी कहते हैं, स्मॉल जी कहते हैं। कैपिटल जी की डायमेंशन होती है एम की पावर माइनस वन, एल की पावर थ्री और टी की पावर माइनस टू, और स्मॉल जी की डायमेंशन होती है एल टी की पावर माइनस टू। अब हम डेंसिटी की डायमेंशन निकालते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, एम, कैपिटल एम। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, अभी हमने वॉल्यूम की डायमेंशन निकाली थी, क्या थी, एल की पावर थ्री। अब एल की पावर ये प्लस में ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाता है, क्या हो जाएगी इसकी डायमेंशन, एम एल की पावर माइनस थ्री, और टी नहीं है तो टी की पावर जीरो और स्क्वायर ब्रैकेट। तो डेंसिटी की डायमेंशन क्या हो गई, एम एल की पावर माइनस थ्री और टी की पावर जीरो, या क्या डेंसिटी। अगर हमें सपोज इम्पल्स की डायमेंशन निकालनी है, इम्पल्स का, इम्पल्स बराबर क्या होता है, फोर्स। हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए किसी भी किसी की भी डायमेंशन निकालने के लिए, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो डायमेंशन नहीं निकाला जा सकता, इसलिए फॉर्मूले मस्ट बी रिमेंबर। तो इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। फोर्स की डायमेंशन हम पहले ही, मैंने कहा था कि पहले भी हमें याद भी रखना है, फोर्स की जो डायमेंशन होती है क्या होती है, एम एल और टी की पावर माइनस टू, और टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो क्या आएगा, एम तो एम सेम रहेगा, एल एक ही एल है, टी की पावर माइनस टू और प्लस वन, माइनस टू प्लस वन कितना हुआ, माइनस टू प्लस वन कितना हुआ, माइनस वन, तो टी की पावर माइनस वन और स्क्वायर ब्रैकेट। तो डेंसिटी की जो डायमेंशन आ गई, इम्पल्स की डायमेंशन आ गई। इसी तरह अगर हमें निकालनी है डायमेंशन वर्क की, वर्क, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो वर्क की, फोर्स की डायमेंशन हम कितनी देख चुके हैं कई बार निकाल के, एम एल टी की पावर माइनस टू, और डिस्टेंस की डायमेंशन एल, डिस्टेंस से लेंथ नापते हैं। तो एम सेम, एल एल पावर वन, पावर वन ऐड हो जाएंगी तो क्या हो गया, पावर टू, एम एल स्क्वायर और टी की पावर माइनस के टू। तो वर्क की डायमेंशन क्या आ गई, एम एल स्क्वायर और टी की पावर माइनस टू। अब हमने ये पहले पढ़ा है वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्या होता है कि वर्क इज, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका यह मतलब कि जो वर्क की डायमेंशन होगी वही एनर्जी की डायमेंशन होगी, चाहे वो एनर्जी कोई सी भी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, वाइब्रेशनल एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, तो जो वर्क की डायमेंशन होगी वही किसकी होगी, एनर्जी की, चाहे हम चेक भी कर सकते हैं। सपोज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, एम जी एच, ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच, वेयर एम इज द मास, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच इज द हाइट। सपोज ये डेटम है, कोई रिफरेंस पॉइंट है, अगर यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास एम है और यहाँ से इसकी जो हाइट है एच है, तो इस बॉडी को अगर हम ड्रॉप यहाँ करते हैं तो जो इसमें एनर्जी होगी उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है, एम, और जी, जो जी क्या हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्स 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अप्रोक्स करके लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एम इसका मास हो गया और जी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 10, और एच क्या होगा, हाइट। तो इसके पास इतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, अगर ये यहाँ पे इंपैक्ट करेगी तो इतनी एनर्जी से इंपैक्ट करेगी। अब जैसे हमने क्या देखा कि वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वर्क की जो डायमेंशन हो गई वही एनर्जी की डायमेंशन होगी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जो डायमेंशन होगी ना वो किसकी डायमेंशन के बराबर होगी, वर्क के। इसको निकाल के देखते हैं, जैसे एम की डायमेंशन क्या होगी, मास है, मास की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एम। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी डायमेंशन होती है एल टी की पावर माइनस टू। एच, एच से क्या होता है, हाइट, हाइट से हम क्या नापेंगे, लेंथ,
तो उसकी डायमेंशन हो गई एल। अगर हम इसको कैलकुलेट करें एम एल स्क्वायर और टी की पावर माइनस टू, यहाँ पे देखो वर्क की जो डायमेंशन है वो क्या है, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन भी क्या है, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। और चेक कर लेते हैं किसी और काइनेटिक एनर्जी का, सपोज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ये भी एनर्जी है, तो इसकी भी जो डायमेंशन होगी वर्क के बराबर होगी, इसके बराबर इसके बराबर। अब जो कॉन्स्टेंट होते हैं इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं हुई, बचा क्या मास। मास की डायमेंशन कैपिटल एम। वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी की पावर माइनस वन। वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी की पावर माइनस वन, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख दिया। इसके बाद इसको सोल्व किया, एम एल स्क्वायर पूरे क्या है ना ये, तो एल स्क्वायर और टी की पावर माइनस टू। तो इसकी जो डायमेंशन आ गई कितनी आ गई, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। तो जो भी कोई सी भी एनर्जी होगी उसकी जो डायमेंशन होगी एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन है। तो ग्रेविटेशन चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, वाइब्रेशनल एनर्जी हो, कोई सी भी हो, उसकी जो डायमेंशन होगी वो हमेशा क्या होगी, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। और अगर हमें किसी अब हम अगर फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन देखें, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, इसको डिनोट करते हैं म्यू से, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टाइम पीरियड, म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन टी। तो म्यू जो फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन होगी, टी क्या है टाइम, तो टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस वन। लेकिन अब अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, एम और एल नहीं है, तो इसकी जो डायमेंशन होगा एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो और टी की पावर माइनस वन। तो फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन हो जाएगी कितनी हो जाएगी, एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो और टी की पावर माइनस वन। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 2001 में। द डायमेंशन लिखा है, द डायमेंशन The dimension of a Planck of Planck constant. The dimension of Planck constant is equal to that of, मतलब किसके बराबर है, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है एनर्जी, सेकेंड ऑप्शन है मोमेंटम, थर्ड ऑप्शन एंगुलर मोमेंटम, एंड फोर्थ ऑप्शन डी इज पावर। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि द डायमेंशन ऑफ ए प्लांक कांस्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ, मतलब जो प्लांक कांस्टेंट की जो डायमेंशन होगी वो उनमें उसकी जो डायमेंशन होगी किसके बराबर है, एनर्जी मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम और पावर में से किसके बराबर है। तो सबसे पहले तो हम प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन निकालेंगे। प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एनर्जी की E बराबर एनर्जी, E इज इक्वल टू होता है H इंटू म्यू। E क्या है एनर्जी, H क्या है प्लांक कांस्टेंट, और म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमें H की डायमेंशन निकालनी है, H बराबर क्या हो जाएगा E अपॉन में म्यू। E क्या है एनर्जी, एनर्जी क्या है एनर्जी किसके, इसकी एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो किसके बराबर होते हैं, वर्क के। अभी हमने इससे पहले देखा वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जो एनर्जी की जो डायमेंशन होगी किसके बराबर होगी, वर्क के और म्यू। इसके बाद वर्क बराबर क्या होता है फोर्स इंटू, वर्क बराबर क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, और म्यू की म्यू बराबर क्या होता है वन अपॉन टी। तो फोर्स की जो डायमेंशन होती है क्या होगी, एम एल टी की पावर माइनस टू, और डिस्टेंस की एल, और ये क्या हो जाएगा वन अपॉन टी का मतलब टी की पावर माइनस वन। इसको पूरा सोल्व करें अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा एम कितना हो गया ये एल स्क्वायर और टी की पावर माइनस टू, माइनस वन इधर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस टू और प्लस वन, माइनस टू प्लस वन कितना हो जाएगा माइनस वन, तो टी की पावर क्या लिखें माइनस वन।
तो जो प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन आई वो क्या आई, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन। अब हम वन बाय वन करके चेक करेंगे कि एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन किसकी डायमेंशन है। तो प्लांक कांस्टेंट की जो डायमेंशन हुई वो क्या हो गई, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन। दोबारा से देखो, ई इक्वल टू एच न्यू, म्यू क्या होता है फ्रीक्वेंसी, तो और एच क्या होता है प्लांक कांस्टेंट, ई क्या है एनर्जी, एनर्जी की जो डायमेंशन होगी वर्क के बराबर डायमेंशन या होगी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, तो हमने इसकी जो डायमेंशन निकाल ली। तो प्लांक कांस्टेंट की जो डायमेंशन आई है वो इसको यहाँ लिख लेते हैं, कितनी आई है एच की जो डायमेंशन प्लांक कांस्टेंट की, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन। अब हम वन बाय वन करके देखते हैं, पहला ऑप्शन है एनर्जी, एनर्जी एनर्जी की जो डायमेंशन होगी किसके बराबर होगी, अभी हमने देखा वर्क के, और वर्क बराबर क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। जो अब फोर्स इंटू डिस्टेंस, जो फोर्स की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, एम एल टी की पावर माइनस टू, फोर्स की डायमेंशन, और डिस्टेंस की एल, तो इसकी जो डायमेंशन बनी क्या बची, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। लेकिन देखो प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन कितनी है, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, और इसकी क्या है, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, यहाँ माइनस वन है और यहाँ माइनस टू, तो इसका मतलब क्या है कि जो पहला वाला ऑप्शन है उसकी डायमेंशन के बराबर नहीं है प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन, तो इसको तो कैंसिल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी मोमेंटम, मोमेंटम बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जो मास की डायमेंशन होती है वो क्या होती है, कैपिटल एम, और जो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है वो क्या होती है, एल टी की पावर माइनस वन। मैंने कहा था कि वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की और फोर्स, तीन की डायमेंशन हमें याद रखनी है, तो मास की डायमेंशन एम, वेलोसिटी की एल टी की पावर माइनस वन, तो इसकी जो डायमेंशन आई क्या आ गई, एम एल टी की पावर माइनस वन। अब प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन देखें तो एम है, लेकिन यहाँ एल की पावर वन है, यहाँ एल स्क्वायर है टी की पावर माइनस वन, तो बाकी तो सही है लेकिन एल की जो डायमेंशन मैच नहीं कर रही है, तो इसका क्या मतलब है कि जो प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन है वो मोमेंटम के बराबर भी नहीं है, सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग। चेक करते हैं थर्ड ऑप्शन को, थर्ड ऑप्शन क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होता है, डिनोट करते हैं एम वी आर, सबकी फॉर्मूला क्या होता है एम वी आर, वेयर एम इज मास, वी इज द वेलोसिटी एंड आर इज द रेडियस। तो मास की जो डायमेंशन होगी एम, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी की पावर माइनस वन, आर, आर क्या है रेडियस, रेडियस की मतलब से हम क्या नापते हैं लेंथ, तो उसकी जो डायमेंशन हो कितनी हुई एल, तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी एम एल स्क्वायर और टी की पावर माइनस वन। एंगुलर मोमेंटम बराबर दोबारा देखो, एल बराबर क्या है एम वी आर, वेयर एम इज़ द मास, वी इज़ द वेलोसिटी एंड आर इज द रेडियस। मास की डायमेंशन एम, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी की पावर माइनस वन, और आर की जो डायमेंशन है एल, आर रेडियस हम क्या नापते हैं लेंथ, तो एम एल की पावर वन, एल की पावर वन, एल स्क्वायर एंड टी की पावर माइनस वन, तो इसकी डायमेंशन कितनी आ गई एंगुलर मोमेंटम की एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन। वेयर एच की डायमेंशन, जो प्लैंक कांस्टेंट एच की डायमेंशन क्या है एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन, तो ये जो दोनों डायमेंशन है आपस में क्या कर रही हैं मैच, तो इसका मतलब क्या है कि जो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन होगी वो किसके बराबर होगी एंगुलर मोमेंटम के। पावर को भी चेक कर लेते हैं, पावर, पावर क्या डी, पावर, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर को बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, फॉर्मूले वाइज क्या होता है वर्क अपॉन में टाइम, रेट ऑफ का मतलब होता है, रेट ऑफ का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना, वर्क अपॉन में टाइम, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब वर्क की जो डायमेंशन होती है कितनी होती है, इससे पहले हम निकाल भी चुके हैं वर्क की डायमेंशन, वर्क बराबर क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, यहाँ लिख लेते हैं तो फोर्स इंटू डिस्टेंस टाइम। जो फोर्स की डायमेंशन होती है वो होती है एम एल टी की पावर माइनस टू, डिस्टेंस की डायमेंशन एल, और टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी।
अब इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, एम एल से एल कितना हो गया, एल स्क्वायर, और टी की पावर यहाँ क्या है, 1, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, तो टी की पावर -2 एंड -1, -2 -1 कितना हुआ, टी की पावर -3। तो पावर की जो डायमेंशन आई कितनी आई, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3, वेयर प्लैंक कॉन्स्टेंट की डायमेंशन कितनी, एम एल स्क्वायर एंड टी की पावर -1, लेकिन पावर की डायमेंशन कितनी आई, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। ये दोनों तो सेम है, लेकिन टी की जो डायमेंशन यहाँ -1 है -3, तो इसका मतलब है जो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन है पावर के बराबर नहीं है, किसके बराबर है, एंगुलर मोमेंटम के। ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है 2001, ये नीट में आया हुआ है 2001 में। अब हम देखते हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ है नीट में 1996 में, 1996 नीट का क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स, द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स, द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर इक्वल टू दैट ऑफ, किसके बराबर है, द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर इक्वल टू दैट ऑफ किसके, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है प्रेशर, सेकंड लीनियर मोमेंटम एंड ऑप्शन नंबर थर्ड फोर्स, नेक्स्ट ऑप्शन एंगुलर मोमेंटम। द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर दैट ऑफ, तो इंपल्स की जो डायमेंशन है, सबसे पहले तो इंपल्स की डायमेंशन निकालते हैं। इंपल्स की डायमेंशन क्या होता है, इंपल्स बराबर क्या होता है, इंपल्स डिनोटेड इज इक्वल टू आई, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। जब फोर्स किसी भी फोर्स की ड्यूरेशन बहुत कम है तो उसको बोलते हैं इंपल्स। तो फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, एम एल टी की पावर -2, और टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी। अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या आएगा, देखो एम एल टी की पावर -2 + 1 कितना हुआ, -1, तो इंपल्स की जो डायमेंशन आई है कितनी आई है, एम एल टी की पावर -1। अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन चेक करते हैं कि किसकी जो डायमेंशन है इन चारों ऑप्शंस में से इंपल्स की डायमेंशन से मैच करती है। पहला ऑप्शन है प्रेशर, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए डायमेंशन निकालने के लिए, तो फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स की जो डायमेंशन होगी क्या होती है, एम एल टी की पावर -2, और जो एरिया की डायमेंशन क्या होती है, एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ से भी लेंथ नापते हैं और ब्रेथ से भी एल, तो दोनों की डायमेंशन क्या होती है, एल एल इंटू एल, एक एल से एक एल कैंसिल, यहाँ क्या बचा, एम की पावर 1, एल ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये एल की पावर -1 और टी की पावर -2। तो इसकी जो डायमेंशन हुई प्रेशर की कितनी हुई, एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2। यहाँ पे क्या है, इंपल्स की डायमेंशन ये है और इसकी डायमेंशन क्या है, अलग। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंपल्स की डायमेंशन है वो फोर्स के तो बराबर, प्रेशर के बराबर। अब हम देखते हैं कि जो इंपल्स की डायमेंशन है एम एल टी की पावर -1 है, लेकिन जो प्रेशर की जो डायमेंशन है वो कितनी है, एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2। तो इसकी जो डायमेंशन है इसके बराबर तो नहीं है, इंपल्स की डायमेंशन के बराबर। अगर नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं क्या है, लीनियर मोमेंटम बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इससे पहले हम भी निकाल चुके हैं इसकी डायमेंशन, वैसे प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास की जो डायमेंशन होती है एम, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी की पावर -1। तो लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन क्या हो गई, एम एल टी की पावर -1, एम एल टी की पावर -1, ये मैच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंपल्स की डायमेंशन होगी लीनियर मोमेंटम के बराबर होगी। और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर क्या है, सी क्या है, फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स की डायमेंशन तो हमें याद ही होनी चाहिए, एम एल टी की पावर -2। तो इंपल्स की डायमेंशन कितनी है, एम एल टी की पावर -2 -1, पावर ये टी की मैच नहीं कर रही, तो मतलब इसके बराबर नहीं है, प्रेशर की डायमेंशन के बराबर नहीं है, लीनियर मोमेंटम के। लास्ट वाला ऑप्शन और चेक कर लेते हैं एक बार, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर
मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होता है, एम वी आर, प्रोडक्ट ऑफ मास वेलोसिटी एंड रेडियस। मास की डायमेंशन कैपिटल एम, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी की पावर माइनस वन, और आर क्या है रेडियस, रेडियस हम क्या मेजर करते हैं लेंथ, तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई एल। तो इनको अगर हम सोल्व करें एम एल एल क्या हुआ एल स्क्वायर और टी की पावर माइनस वन। यहाँ देखो क्या है, इंपल्स की डायमेंशन क्या है एम एम, एल की पावर कितना है वन, यहाँ कितनी है एल की पावर टू, तो ये एल की जो पावर है मैच नहीं कर रही है, लेकिन टी की जो पावर है वो मैच कर रही है, तो इसका मतलब है पावर तीनों की मैच करनी चाहिए, तो पूरी तरह मैच नहीं कर रही है, एम की पावर एल की पावर टी की पावर सबकी मैच नहीं कर रही है, तो इसलिए इसकी जो डायमेंशन है एंगुलर मोमेंटम के बराबर नहीं हुई। इसका मतलब क्या है, इंपल्स की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर आई है, लीनियर मोमेंटम के बराबर, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, एक क्वेश्चन और आया हुआ है नीट में, दो बार आया हुआ है, मतलब 1994 में 1994 और कब आया हुआ है 90 में। नीट का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग हैज द डायमेंशन डायमेंशन ऑफ प्रेशर। इसमें से कह रहा है चार ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से कौन सी जो डायमेंशन होगी प्रेशर की डायमेंशन है। पहला ऑप्शन है एम एल टी की पावर माइनस टू, ऑप्शन नंबर बी एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू, सी एम एल माइनस टू टी की पावर माइनस टू, एंड डी एम की पावर माइनस वन एल की पावर माइनस वन। तो हमें चेक करना है कि जो डायमेंशन किसकी होगी प्रेशर में से, प्रेशर की जो डायमेंशन होगी किसकी हो, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो प्रेशर की डायमेंशन होगी। ठीक है, प्रेशर की डायमेंशन इन चारों ऑप्शन में से कौन सी प्रेशर की डायमेंशन होगी। तो पहले तो हम प्रेशर की डायमेंशन निकालते समय क्या याद रखेंगे, प्रेशर बराबर होता क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन में एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। अब फोर्स की जो डायमेंशन होती है, फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, एम एल टी की पावर माइनस टू, एम एल टी की पावर माइनस टू। मैंने कहा था कि फोर्स की, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की, तीन की जो डायमेंशन है हमें मस्ट बी रिमेंबर, तीनों की डायमेंशन अगर हमें याद होगी तो ही हम आगे की तीनों की डायमेंशन निकाल सकते हैं, मतलब और किसी की डायमेंशन को इजीली निकाल सकते हैं, ज़्यादा की डायमेंशन मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं होती है, बाकी की डायमेंशन ड्राइव हो सकती हैं, सभी डायमेंशन को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम अगर हम तीन की डायमेंशन इनकी याद रखें तो बाकी की डायमेंशन निकल सकती है। तो फोर्स की जो डायमेंशन होती क्या हो, एम एल टी की पावर माइनस टू, एरिया की डायमेंशन क्या होती है एल स्क्वायर, मतलब एल टू टाइम्स, एक एल से एक एल कैंसिल, क्या हुआ एम एल ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा माइनस वन और टी की पावर माइनस टू। इसके बाद कौन सा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है, पहला देखो एम की पावर वन, एल यहाँ पावर माइनस वन है प्लस वन है, तो ये तो ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू, मतलब ये सही है। और थर्ड का अगर हम चेक करें एम एल की पावर माइनस टू माइनस वन है, तो ये भी ऑप्शन गलत। फोर्थ ऑप्शन एम की पावर माइनस वन याद रखा है, तो इसलिए ये भी गलत। तो प्रेशर की जो डायमेंशन हुई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। तो ये नीट 1994 और 90 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे कि उसमें नीट और जेई के प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे डायमेंशन एनालिसिस पे। होप यू ऑल आर फुली अंडरस्टैंड, थैंक यू।